विशाल, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ऑलरेडी एक मतलब एक बायोपिक टाइप की है ये. सो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि आपको ये कैरेक्टर लाइक वेंकी कैरेक्टर करने के लिए मजबूर किया है? एक्चुअली सबसे पहले तो ये बात हुई, मुझे एक कॉल आया और वेंकी के बारे में जानने से पहले ही मेरे दिमाग में ऑलरेडी हाँ थी, बिकॉज मुझे ये बात पता चली थी कि काजोल मैम ये फिल्म कर रही है और रेवती मैम ये फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं. तो कोई भी एक्टर जिसे अपनी लाइफ में उसने अपनी जर्नी शुरू की है, एक फिल्म हुई है उसकी और जिसके इंडस्ट्री में कोई टच नहीं है और उसे अगर ऐसा मौका मिलता है तो वो डेफिनेटली हाँ कहता है. मैं भी वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और उसके बाद मैंने जाना कि मेरा पार्ट क्या है फिल्म में. और जब मुझे पता चला कि मुझे कोई ऐसे कैरेक्टर का रोल ऐसा कैरेक्टर करने का मौका मिलेगा जो इतने लोगों को इंस्पायर करने वाला है, क्योंकि आप जब वेंकटेश की जर्नी देखेंगे, उनकी मॉम की जर्नी देखेंगे, आप लोगों को सबको पता चलेगा कि हमें एक्चुअली लाइफ में कैसे जीना चाहिए. और जब ऐसा मौका मिलता है कि आपको लाइफ में लोगों को मोटिवेट करने का मौका मिले एज एन एक्टर थ्रू योर फिल्म, तो इससे बड़ा मौका कोई हो नहीं सकता. एंड आई वॉन्टेड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई डिड दैट एंड आई एम सो प्राउड कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ और वो भी मैं वेंकी प्ले कर रहा हूँ. यस, थैंक यू. एंड व्हाट काइंड ऑफ अ चैलेंजेस आपने फेस किए ड्यूरिंग द शूट? ड्यूरिंग द शूट मेरे मन की एक्चुअली पहली तो यही चैलेंज थी कि मैं मैम के साथ कंफर्टेबली काम कर पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ही नर्वस था फर्स्ट डे से ही. बट सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से शूट हुई. चैलेंजेस ये थे कि फिल्म में मेरा जो किरदार है उसके पास बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज है नहीं, और ऐसा कैरेक्टर जो वैसे तो सभी लोगों को पता है बट कोई पब्लिक फिगर नहीं था, क्योंकि वेंकटेश को वैसे पब्लिक कम जानती थी और मैंने उनके वीडियोज़ वगैरह नहीं देखे थे, तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाऊँगा. और ये एक बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट पार्ट था मेरे लिए, बट मुझे रेवती मैम ने बहुत ज़्यादा हेल्प की कैरेक्टर को समझाने में, कैरेक्टर को कैसे प्ले करना है इन सारी चीज़ों में. और एज एन एक्टर मैंने अपने इमोशन से जैसे अपना बेस्ट कर पाऊँ मैंने किया है. और जैसे सब लोग कह रहे हैं कि आज ही हमारा एग्जामिनेशन है, तो आई होप कि हम लोग एटलीस्ट पासिंग मार्क लेके आए. ओके.